काफी लंबे वेट के बाद आज मैंने हनुमान मूवी देख ली एंड इसे देखकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रशांत वर्मा को सल्यूट है उनके एम्बिशन के लिए, उनके विजन के लिए। मूवी काफी हद तक मेरे को इम्प्रेस करती है। अभी काफी हद तक मेरे कहने का मतलब ये है कि मेजरली मेरे को इम्प्रेस करती है, क्योंकि इसमें भी इश्यूज तो है। तो चलो जो भी अच्छा है बुरा है सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स के बारे में। तो नंबर वन स्टोरी, ये सबको बताया कि मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है स्टोरी एंड कैरेक्टर्स, एंड यहाँ पे इस पे लिटरली सब कुछ बढ़िया था। मूवी के कैरेक्टर्स काफी अच्छे थे और कभी कभी तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो गई। क्लाइमैक्स से पहले पहले की जितनी भी स्टोरी है ना उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। सेकंड म्यूजिक एंड बीजीएम, सो इसके बीजीएम ने मेरे को काफी इंप्रेस किया एंड यकीन मानो ये तुमको भी जरूर करेगा। और जैसा बीजीएम था वो हनुमान जैसे सुपर हीरो पर सूट भी करता था। और एक और अच्छी बात है कि मूवी में अनवांटेड कोई गाने नहीं है। थर्ड कॉन्सेप्ट, मूवी का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है एंड जो हनुमान का पावर्स का सोर्स है ना उसको लेकर काफी बार कंडीशंस ऊपर नीचे हो जाती थी एंड ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। सुपर हीरो को अगर पावर्स मिली हैं तो उसके साथ उसकी लिमिटेशंस को हमको पहले ही बता दिया था। तो इस बात से मेरे कहने का मतलब ये है कि सुपर हीरो बिल्कुल भी ओवर पावर्ड नहीं दिखाया। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ कर सकता है, उसकी अपनी खुद की कुछ लिमिटेशंस है एंड जो विलन है वो उसी कमजोरी का फायदा उठाता है क्लाइमैक्स के टाइम पे। तो तुम समझ रहे हो सुपर हीरो भी सफर कर रहा है, उसका भी डाउनफॉल चल रहा है, फिर वो अपराइज होता है। ये चीज एक सुपर हीरो मूवी के लिए बहुत जरूरी होती है एंड ये चीज इसमें परफेक्टली दिखाई गई है। नेक्स्ट एक्शन सीन्स, मूवी के एक्शन सीन्स काफी पसंद आए मुझे एक्सेप्ट क्लाइमैक्स वाले के, बट उसकी बातें नेगेटिव्स में करने वाले हैं। बाकी जितने भी एक्शन सीन्स है जो पहले वाले एक्शन सीन आते हैं जो इंटरवल से पहले सीन आते हैं वो काफी अच्छे हैं। लास्ट एंडिंग, क्लाइमैक्स के बाद की एंडिंग में बहुत बड़ी बड़ी चीजें की हैं एंड इसका सीक्वल भी अनाउंस किया है तो ये भी मुझे काफी पसंद आया। एंड एक और चीज मुझे जो पसंद आई वो थे इसके कलर्स, काफी वाइब्रेंट मूवी थी, काफी कलरफुल मूवी थी तो डेफिनेटली बच्चों को तो पसंद जरूर आएगी। और एक और चीज अच्छी लगी, जैसे जैसे हमारी माइथोलॉजीज का यूज किया है करेक्टर्स के लिए वो भी काफी अच्छा पार्ट था इसका। अब नेगेटिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहला नेगेटिव और सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे लगा वो था इसका क्लाइमैक्स। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्रशांत वर्मा के विजन को सल्यूट है पर वो विजन क्लाइमैक्स पे अच्छे से लैंड नहीं हो पाया। काफी ब्लरी एंड अनफिनिश्ड वीएफएक्स शॉट्स है, जिस तरीके से क्लाइमैक्स को दिखाया ना वो और बेहतर हो सकता था एंड ना ही वहाँ पे कोई अच्छे एक्शन सीन्स है और यहीं पे फिल्म काफी रश्ड और बोरिंग फील होती है। काफी चीजें हैं जो कि ऐसे जल्दी जल्दी शो करती हैं, जैसे कि क्लाइमैक्स के पार्ट में एक मंकी का सीन होता है जो कि काफी मुझे बचकाना चाइल्डिश लगा। एंड एक और सीन होता है जैसे क्लाइमैक्स में कि जहां अपना हीरो पेड़ों की जड़ों को फेंकता है हेलीकॉप्टर की तरफ और ये ट्रेलर में दिखाई है सीन में और फिर अपने आप वो एक टाइट नॉट में बदल जाता है, ये सब कुछ काफी फेक लगता है सच बताऊं। और ऐसे एक आध सीन और है बट मूवी के क्लाइमैक्स के बाद की जो एंडिंग है उसको ऐसे सेट किया है, उस पर इतना अच्छे से फोकस किया है कि सब खुश होकर ही निकलेंगे। पर नॉर्मल ऑडियंस लास्ट तक बहुत कम शिकायत रखेंगे इस मूवी से। एंड सेकंड जो इसकी नेगेटिव थे वो इसके विजुअल्स, तो जैसा मैंने बताया कि इसके विजुअल्स जस्ट वैसे ही हैं जैसे कि हमने ट्रेलर में देखे। काफी सीन्स अलग ही फेक लग रहे हैं, जैसे इसमें एक सुपर स्पीड वाला सीन होता है जो कि लिटरली बहुत कार्टूनिश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अमेच्योर यूट्यूबर ने बनाया हो फोन से। और डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड जरूर करूंगा क्योंकि आपको एक बार ऐसी देखनी चाहिए प्रशांत वर्मा के विजन के लिए एंड इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर है एंड डेफिनेटली आदिपुर उसके मुकाबले तो लाख गुना बेटर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं आगे और भी वीडियोस ऐसे बनाता रहता हूँ यूट्यूब पे। तो तुम अगर ऐसी वीडियोस पसंद करते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।